नमस्ते मेरे सभी भाई बहनों को मेरा राम राम और नमस्ते। आज मैं एक बहुत ही हेल्दी और सीजन के अनुसार गर्मियों के अनुसार बहुत ही फायदेमंद ये ताड़फल लेके आई हैं। इसकी मैं रेसिपी बनाऊंगी और बहुत अच्छी और स्वादिष्ट मिठाई है। ये बहुत हेल्दी भी है और हमारे गर्मियों के मौसम के हिसाब से इसको गर्मियों से राहत मिलने के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और ये है, मैंने एक एप्पल लिया है, इसको कद्दूकस किया है इससे। ये थोड़ा मैंने मैंगो का भी पनीर बना के रखा है। मैंने कुछ दिन पहले भी मैंगो आपको दिखलाया था, मैंगो का सैंडविच बनाया था और रबड़ी भी बनाई थी, तो इसलिए मैंने बना के रख दिया। ये पनीर मैंने 3 पाव दूध का पनीर भी बनाया है। तो सबसे पहले मैं इसको गर्म करूँगी एप्पल को। थोड़ा गर्म करने से इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो कम हो जाएगा। इसके अंदर मैंने चीनी डाल के तैयार कर लिया है इतने ही पनीर के हिसाब से। इसके लिए मैं थोड़ा गर्म करने के बाद में चीनी डालूंगी थोड़ा। ये तैयार हो रहा मेरा। ये देखो मैंने 4 छील के भी रखे हैं, ये इस तरह से बाजार में मिलती हैं ये, तो इनको अभी मैं छील के तैयार कर लूँगी। तो ये इतने हमारे तैयार हो रहा है, इतने में इसको छील लेती हूँ। इसको छीलने के बाद में ये ऐसा हो जाता है ये, तो इसको मैं छील के तैयार करती हूँ। ये एकदम गर्म हो रहा है इतने। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर है और बीमारियाँ, जो गर्मी की बीमारियाँ होती हैं फोड़े फुंसी, उसके लिए भी इसको बहुत राहत मिलती है। शरीर के लिए ये बहुत फ़ायदे का चीज़ है, प्रोटीन से भरपूर है। इसे आप ज़रूर से गर्मी में बनाओ और इसको खा के तैयार, गर्मियों से राहत मिलेगी आपको बहुत तरीके से। ये मैडम थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाता है इसका, इस तरह से हम इसको चारों को छील लेते हैं। बहुत आराम से छिलाई हो जाती है इसकी। इसी तरह से हम छील लेते हैं इसको। इसमें थोड़ा सा मैं चीनी डाल देती हूँ, इतना चीनी डालने से मीठा हो जाएगा। ये हमारा हो गया, इसमें पानी, इसका एक्स्ट्रा पानी खत्म हो गया तेल सेव का। हम इसको गैस बंद कर देते हैं। इस तरह से काटेंगे, इस तरह से हमने इसको काटा है। इसी तरह से हम सारा काट के रख लेते हैं। इसके अंदर में मैं इसको मिक्स करूंगी। इसको हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने तो एप्पल लिया है। ये इसमें मैं थोड़ा सा ये आम का भी बना के रखा है मैंने, इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसमें आप अपने पसंद का कोई भी फल लेके इसको बनाओ, खाने में भी हेल्दी स्वादिष्ट तो है ही, और वैसे भी ये फल बहुत हेल्दी है, पौष्टिक है एकदम। शरीर के फोड़े फुंसी, इसको अगर आप रोज खाओगे तो शरीर में फोड़े फुंसी जो गर्मी में, गर्मी की वजह से हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपका लीवर भी इससे बहुत ठीक रहेगा और शरीर में भी ताकत रहेगी। इसको छोटा बड़ा कोई भी बीमारी वाला भी इसे खाए, किसी को भी इससे कोई नुकसान नहीं है। ये हमारा रेडी हो गया है, मिक्स कर लिया मैंने। मैंने ज़्यादा चीनी भी ज़्यादा नहीं लगती है,
बस पनीर बनाया और हम इसको काट के तैयार कर ही लिए हैं। अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ, जैसे मैंने इसे काटा है इसके अंदर मैं ये भर देती हूँ। इसी तरह से हमें इसको सारा को भर लेना है। अब इसको आप फ्रीज में रख के ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, खाइए खिलाइए लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से हम इसको बेक करें, इसमें ज़्यादा इसमें पनीर भी हमारा फायदे वाला चीज़ है, ये फल तो अपने आप में पूरा है शरीर के लिए, और पनीर अपनी जगह में अच्छी है, एप्पल है, सभी चीज़ें अच्छी अच्छी है इसमें। न तो घी डाला ना तेल, बस चीनी भी एकदम मैंने हल्की डाली है, ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि पनीर और अपने आप में मीठा ही रहता है। ये हमारा तैयार हो गया है। अब देखो आपको मैं काट के दिखला सकती हूँ इसको, कितना अच्छा लग रहा है अंदर से भी। भी इसी तरह से खाने के लिए है ये, आप अपनी तरफ से कैसे भी इसको सजा सकते हो, ऐसे भी सजा के रख दे सकते हो, आपकी इच्छा हो तो ऐसे भी रख सकते हो, मैंने कुछ बना के भी रखा है। अब इसमें आप फ्रीज में रख दीजिए, आने वाले मेहमानों को सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप खाइए खिलाइए और फिर मुझे बतलाइए कि आपको ये कैसा लगा। आप ज़रूर इसे ऐसे बनाना, गर्मी से राहत मिलेगी आपके शरीर को, बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलेगी इस फल से, तो आप ज़रूर ज़रूर बनाना। मेरे को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना और मुझे अपना विचार देना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।